रसोई में खाने के लिए उपयोग में लाने वाले सोयाबीन तेल ले डांबर से भरे साग को जीवन दान मिलने की घटना खापर केडान नजदीक की ईदगांव में घटी है। ईदगांव में अभी इंजीनियरिंग प्लांट में गोनर जाति का सांप डांबर से पूरी तरह से भरकर फंस गया था। इसकी जानकारी सर्प मित्र सागर सोनेकर को मिलने के बाद अपने सहकर्मी वरिष्ठ सर्प मित्र हिमांशु गोठवाड़, प्रतीक रंगारी, विजय वाल्की को दी। जानकारी मिलते ही सभी घटनास्थल पर पहुंचने पर सांप डांबर से पूरी तरह भरा हुआ था। उसकी हलचल पूरी तरह बंद हो गई थी। डांबर से भरे सांप को डांबर निकालने के लिए सोयाबीन तेल से पूरी तरह साफ किया गया। इस पश्चात सांप को कोई भी खरोच भी नहीं लगती हुई सोयाबीन तेल लगाकर डांबर निकाला गया। सदर घटना में सांप का डांबर कैसे निकाले जाए इसकी जानकारी वरिष्ठ सर्प मित्र अंकित खड़ोदे ने दी। डांबर निकालने के लिए करीब 3 से 4 घंटे का समय लगा है, जिसमें डांबर निकालने के बाद सांप पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, सांप को जंगल में छोड़ा गया। सर्प मित्र एवं पार्श्वनी के वन अधिकारी SN शिरपुरकर, VS कांबड़े, भारती मेंढे, जांबुरकर, विनोद साकुर ने सहकार्य किया। सांप को बचाने के लिए सभी टीम को सफलता मिली। आम्हाला तो प्रश्न पडला की ते सापाला डांबराच्या बाहेर कसे काढायचे, तर आम्ही नागपूर येथील सर्प मित्र अंकितभाऊ खडोले यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे तो डांबर त्याच्या शरीरावर कसे काढायचे ते डांबर आम्ही सोयाबीन तेलाचा वापर करून त्याच्या शरीरावर डांबर काढले आणि ते डांबर काढण्यास आम्हाला कमीत कमी 3 ते 4 तास लागले। ते डांबर काढल्यानंतर आम्ही तो साप पाजून येथील वन विभागाच्या स्वाधीन केला। BCN न्यूज के लिए खापर खेड़ा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।